नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं 16 और 17 अगस्त को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है जानकारी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश में कमी रहेगी। वाराणसी से लेकर लखनऊ से पूरब तक इन हिस्सों में बारिश में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन लखनऊ से लेकर पश्चिमी हिस्से हैं, इन भागों में बारिश की गतिविधियां अच्छी हो सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कई स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। लखनऊ, कानपुर सहित इन 15 जिलों में बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में 15 जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात और लखनऊ सहित 15 जिलों में बारिश का अनुमान जारी किया है। लखनऊ मौसम विभाग ने ताजा अनुमान जारी कर दिया है। लखनऊ और कानपुर के आसपास के जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। कई जिलों में बारिश जारी भी है। यह सिलसिला एक दो दिन तक आगे भी चलने की संभावना जताई गई है। फिलहाल अगले जिन जिलों में बारिश होगी या जारी रहेगी वो जिले हैं इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद। प्रदेश के बाकी जिलों में बादलों की हल्की आवाजाही जारी रहेगी, लेकिन अभी तक के अनुमान के मुताबिक बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल और बुंदेलखंड तक के जिलों में फिलहाल बारिश के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश में कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि पिछले दिनों हरदोई में सबसे ज्यादा 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं आगरा, झांसी, शाहजहांपुर, प्रयागराज और कानपुर में भी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वांचल और तराई के बाढ़ग्रस्त जिलों में पिछले 2-3 दिनों से बारिश का सिलसिला लगभग थमसा गया है। इससे इन जिलों में हुए जलभराव से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसे कई जिलों में निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हुआ है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।